नमस्कार दोस्तों, आज 8 मई है 2023 का। काल 7 मई था। काल से हम हिंदी अखबारों का हेडलाइंस पढ़ना चालू किया। एक तो पोस्ट काल का रेट भी दिया था, आज भी ऐसा ही करेंगे। कोलकाता में पब्लिश हुआ हिंदी अखबार जो है, जैसे कि सन्मार्ग, वर्तमान पत्रिका और प्रभात खबर, ये तीनों अखबारों हम पढ़ेंगे, इसका हेडलाइंस पढ़ेंगे। पहला पेज में जो होता है, और आप लोग को कोलकाता में या राज्यों में जो कुछ भी होता है उसका बारे में अवगत कराएंगे, अपडेट देंगे। दोस्तों, ये हमारा कोशिश रहेगा रोज़ ये पोस्ट देने का, रोज़ आप लोग को अपडेट करने का। इसलिए अच्छा होता है आप अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए तो रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोग का सहयोग ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हमको बताइए कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग का सुझाव जो है वो दीजिए और लाइक शेयर भी करिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, हम शुरू करते हैं सन्मार्ग पेपर से। आज का सन्मार्ग का पहला जो हेडलाइन है वो बंगाल की खाड़ी से चल दिया मोचा। बंगाल की खाड़ी से चल दिया मोचा। मोचा जो तूफान आने वाला था वो बंगाल की खाड़ी से पीछे हट गया, यही बात बोला गया। और दूसरा जो खबर है, ट्रेडमिल पर सीएम ने अपने पप्पी के साथ किया वर्कआउट। सीएम ममता बनर्जी को वर्कआउट करते हुए दिखाते थे, तो छवि है वहाँ दिखता है कि एक तो पप्पी को लेके ममता बनर्जी ट्रेडमिल में हट रहे हैं। तीसरा जो खबर है वो है, बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें जीतने का अभिषेक का रखा टारगेट, सियासत गरमाई। बंगाल में लोकसभा की 40 सीटें जीतने का अभिषेक ने रखा टारगेट, सियासत गरमाई। अभिषेक बनर्जी जो कि एक रैली में भाषण देते थे, कल बताया कि बंगाल के 40 सीट बंगाल से लोकसभा में जीतना है। ये इसका पहले अमित शाह जी आए थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी 35 सीट का टारगेट दिया था अपना समर्थकों को, जैसे कि अभिषेक बनर्जी अपने समर्थकों को 40 सीट का टारगेट दे रहा है तृणमूल कांग्रेस पार्टी का तरफ से, टीएमसी का तरफ से। अगले साल गणतंत्र दिवस पर परेड में होगी केवल महिला प्रतिभागी। ये परेड जो होगा ना गणतंत्र दिवस में, ये ऐसा ही सोच है कि इसमें से महिला पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ सोच है। ये एक तो खबर है सन्मार्ग में। और है, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में फील लगवाए बजरंगी की जाय के नारा, बजरंग बोली की जाय। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में फील लगाए बजरंग बोली की जाय के नारा। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, विपक्षी दलों को बांधों के झूठ करार दिया। ये एक तो खबर है 5 नंबर में। और 6 नंबर में एक खबर है, भाजपा सरकार लोगों को प्रस्तावित मुद्दों का हल करने के नाकाम, ये प्रियंका गांधी ने बताया। और एक तो खबर है, हावड़ा के व्यवसायी ने घुमाए थे अनुब्रतों के करोड़ों रुपए। ये अनुब्रत मंडल जो अभी ईडी का हिरासत में है, तिहाड़ जेल में है, उनका जो छानबीन चल रहा है उसमें से ये निकल कर आया कि हावड़ा की एक व्यवसायी अनुब्रत मंडल का जो कैश था, रुपया था, उसको घुमाया, मतलब उसको व्हाइट करने का कोशिश किया, लैक से व्हाइट करने का कोशिश किया। एक तो खबर है ये। और लास्ट खबर जो है सम्मान में वो है, पहलवानों के समर्थन में पहुंचे किसान संगठन और 4 राज्यों की खाप पंचायत। ब्रिजभूषण को 15 दिन में गिरफ्तार करो, पहलवानों का सरकार को अल्टीमेटम।
बिजभूषण जो कि एक एमपी है बीजेपी का, उसका बारे में कुछ बोला गया कि वो कुछ जस्ती किया था, तो उसके लिए आंदोलन छेड़ दिया था हम लोग का एथलेट्स लोग, तो उन लोग को समर्थन करने के लिए टिकावत जी जो किसान नेता है वो पहुंच गया दिल्ली में धरना में वो लोग को समर्थन देने के लिए। यही लेके तो खबर है सलमान के पहला पेज में। अब आता है वर्तमान पेपर, वर्तमान पत्रिका, वर्तमान पत्रिका पहला जो लिखा है हेडलाइन में, बंगाल के 5 जिले में तेल गैस के अकुत भंडार, ONGC का 22 से अधिक स्थानों पर ड्रिल साइट बनाने का निर्णय। तो बहुत अच्छा खबर है पहला खबर जो है। और दूसरा खबर है इलेक्शन कमीशन की दोहरी नीति पर हमलावर कपिल सिब्बल ने पूछा, बदजुबान मोदी पर चुप क्यों है आयोग। ये कपिल सिब्बल जो कि कुछ दिन पहले कांग्रेस में था, अभी तो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वो मोदी का बारे में ऐसा ही कुछ बताया, कमीशन को लेकर कुछ बताया। कर्नाटक चुनाव का परिस्थिति में कर्नाटक चुनाव का बारे में बात करते हुए ये बात बताया। और 3 नंबर है पहलवानों को टिकट के समर्थन, खाप पंचायत का अल्टीमेटम। ये खबर दूसरे पेपर में भी था, सम्मान में भी था। और है बिजभूषण गिरफ्तार नहीं हुआ तो दिल्ली कुछ करेंगे किसान, कुछ अल्टीमेटम दिया है गिरफ्तारी के लिए को लेके बिजभूषण को। एक तो खबर है, और एक तो खबर छोटा सा है, मणिपुर में सुधर रहे हालात, 23,000 लोगों को बचाया। एक तो मणिपुर में जो डिस्टर्बेंस था वो कुछ हद तक सीमित हुआ, इसका बारे में एक खबर है। और है 5 नंबर खबर जो है वो गणतंत्र दिवस 2024 का बारे में है, लोकसभा चुनाव में आधी आबादी को रिझाने के कोशिश। परेड में शिरकत करेगी सिर्फ महिलाएं, नारी सशक्तिकरण, इसके बारे में बोला है। ये खबर जो दूसरे पेपर में सम्मान में भी था, परेड में शिरकत करेगी सिर्फ महिलाएं, ऐसा सोचते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन सोचते ऐसा है, हो सकता है ऐसा ही होगा। अच्छा, ये खबर वर्तमान खत्म हुआ। अभी आज से नया चालू किया, ये प्रभात खबर बोल के एक तो खबर पेपर है, वो उसको किया। पहला खबर उसका है राजनीति, कर्नाटक में पीएम मोदी का चुनाव प्रचार अभियान, कहा बजरंगबली को लेकर कांग्रेस ने जो किया उसके पीछे तुष्टीकरण है, ये बात बोला गया। और दूसरा है अमित शाह के बाद अभिषेक बनर्जी ने भी तय किया लक्ष्य, विकास चाहते हैं तो लोकसभा चुनाव में बंगाल से तृणमूल को दिलाए 40 सीट। ये खबर भी था दूसरे पेपर में। एक दूसरा खबर ये हो गया। तीसरा है कालेधन को सफेद करने के तरीके खोजती थी सुकन्या, सुकन्या मंडल जो है अनुब्रत मंडल का बेटी है, वो भी तिहाड़ जेल में है बाबा अनुब्रत मंडल के साथ, उसका बारे में ईडी ने ऐसा कुछ कहा। और चौथा जो खबर है मोचा को लेकर, मोचा जो तूफान का बात है उसको लेके है, मोचा लाल बाजार में खोला गया इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, लाल बाजार में कंट्रोल रूम खोला गया, अगर कोई ऐसा कोई आफत आए तो उसको नजरदारी करने के लिए, कुछ नंबर भी दिया गया है टोल फ्री नंबर, ये सब दिया गया। और 5 नंबर जो खबर है वो है कार्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, लोगों को कैंसर का खतरा, ऐसा कुछ सर्वे में आया, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कार्किनोस हेल्थ केयर, उसका सर्वे में आया, इसका एक तो खबर है। बस आज के लिए इतना खबर ही है दोस्तों।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।